इस वीडियो में लिखेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निबंध। हिंदी में बहुत ही आसान सा निबंध लिखना सीखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संसार के महान पुरुष थे। वे आज के इस युग की महान विभूति थे। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के अन्याय पुजारी थे। और अहिंसा के प्रयोग से उन्होंने सालों से गुलाम भारतवर्ष को प्रतंत्रता की वेड़ियों से मुक्त करवाया था। विश्व में यह एकमात्र उदाहरण है कि गांधी जी के सत्याग्रह के समक्ष अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतली बाई गांधी था। मोहनदास जी अपने पिताजी के चौथी पत्नी की आखिरी संतान थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। गांधी जी जब 13 साल की उम्र के थे और स्कूल में पढ़ते थे तब उनका विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा देवी जी से हुआ था। अपनी कक्षा में वे एक साधारण विद्यार्थी थे। गांधी जी अपने सहपाठियों से बहुत कम बोलते थे लेकिन अपने शिक्षकों को पूरा आदर करते थे। गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा अपने स्थानीय विद्यालय से उत्तीर्ण की थी। गांधी जी औसत विद्यार्थी थे, हालांकि उन्होंने कभी कभी पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी जीती है, लेकिन गांधी जी पढ़ाई और खेल में तेज नहीं थे। तो हम लोग का आज का टॉपिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निबंध। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से पढ़ना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।